सबसे पहले तो जितने भी अनसेफ लोग हैं और जो दो सेफ हैं उन्हें बता दूं कि जो हमारे नए वाइल्ड कार्ड्स हैं वो आज बिल्कुल सेफ है। क्या बात है, हमें आप तीनों वहां चले जाइए। यहाँ बैठने का मजा ही कुछ और है। बहुत अलग दिख रहा है यहाँ से, कुछ अलग ही दिख रहा है। हालात बदल गए, जज्बात बदल गए। हालात तो ठीक है सर, आज इनके मुकालात भी होने वाली थी विला में। किसकी? आज मारा मारी होने वाली थी तारा की और जस्टिन की। शिवम थोड़ा ट्राई कर रहा था, शिवम थोड़ा सा मसाला और ऐड करने पे। तारा को थोड़ा सा इंस्टिगेट भी कर रहा था। पूल में कूद गए थे भाई साहब। वो तो मैं खुद कूदा था ना पूल में कूद गए। मुझे मैं खुद कूदा पूल में, क्योंकि मेरा दिमाग गर्म हो गया। मूज बताना चाहिए कुछ। शिवम वहां तक ठीक था पर एट वन पॉइंट यू सेड समथिंग जिसमें मुझे भी हंसी आ गई। व्हेन यू टोल्ड हिम जाके सर छोड़ दे उसका। नहीं मैंने ऐसे नहीं बोला, मैंने उसको मजाक में बोला था। जा रहे आ रहे आ रहे जा रहे क्या कर रहे, जो करना आर पार करो ना, फिल्म छोटी छोटी चीजें क्यों कर रहे हो, आर पार करो। मेरा कहने का मतलब वो था। मैं एक्सप्लेन करता हूँ एग्जैक्टली सिनेरियो क्या हुआ। कहीं ना कहीं ये है कि ही इज कंफ्यूज्ड। आई एम नॉट कंफ्यूज्ड ब्रो, मेरे लिए कंफ्यूजन क्रिएट हो रही है। आई एम नॉट कंफ्यूज्ड। साक्षी को इस सब के बीच में फंसना पड़ रहा है, तो अजीब सा सिचुएशन है और वो स्ट्रेस अपने आप ऐसा हो गया। नहीं तो मैं ऐसा रिएक्ट नहीं करता, ये ऑलमोस्ट सबको पता है। अंडरस्टैंड। और मैं खड़ा होकर देखता, यू मीन टू से। अभी बोल भाई, टेंशन ना ले, बोल। I understand you, bro. You had a connection with her over here. I have. हाँ, ठीक है. You have the connection. I understand that. मेरा एक साल से, सिर्फ ये 15 दिन हुए. भाई तू ये समझ ना, तेरा एक साल से I respect that. You're not expecting that. कल तक हमारी बात man to man हो रही थी, आज तूने बकचोदी काटी. बकचोदी नहीं काटी है, मैं गुस्सा होऊंगा ही, मैं गुस्सा कैसे नहीं होऊंगा? अरे you raise your point. And then I can express myself. Please stop fighting. I'm not fighting. What I'm saying is, everybody have a space to talk over here, right? हम बात कर रहे थे दोनों, आप बीच में आ जाते हो, आप बोलते हो कि नहीं मेरे सामने ही बात करो। ये क्या लॉजिक होता है? I want to talk to my बिल्कुल बात कर सकते हो। साक्षी तुम बताओ। तारा जो भी है, I would like to sort this, you know, outside of the show. But अभी I don't want कि आप कुछ भी ऐसा करें जिससे जस्टिन को बुरा फील हो या इनसिक्योर फील हो। ऐसा मैंने उनको बोला। But आज की सिचुएशन के बाद I am at a very different zone and Justin मेरे साथ पहले दिन से रहा है and मैंने किसी और लड़के की तरफ नहीं देखा because I really connect with him. He's a very nice guy. He's like one of the nicest guys I've ever met. और I really respect the fact कि इतना सब कुछ होने के बाद भी he's been very understanding. और उसने ये पूरी सिचुएशन को इवैल्यूएट करने की कोशिश की। आज मुझे ऐसा लगा कि आई रियली यू नो आई अंडरस्टैंड वेयर तारा इज कमिंग फ्रॉम, बिकॉज हमारा एक रिलेशनशिप था। एक साल इज नॉट अ शॉर्ट टाइम टू स्पेंड विद एनीबडी एंड वो यहाँ पे आके एक नेशनल टेलीविजन पे किसी भी लड़की को ये बोलना कि आई लव यू एंड आई वॉन्ट टू विन यू बैक, इट इज़ अ ह्यूज स्टेटमेंट। एंड मुझे अभी नहीं पता कि जस्टिन कैसा फील करते हैं, कि वो मेरे साथ लाइफ स्पेंड करना चाहते हैं या नहीं, बिकॉज मैं उनके साथ सिर्फ 15 दिन रही हूँ एंड वो मेरे लिए बहुत कम टाइम है ये इवेल्युएट करने के लिए कि वो इस पूरे सिचुएशन के बारे में क्या फील करते हैं। एज फार एज गेम इज कंसर्न, मैंने यही बोला कि जस्टिन इज द गाय जो मेरे साथ शुरू से है एंड मैं उन्हीं के साथ गेम करना चाहती हूँ, फिनिश। But as far as Tara, you are concerned, I really respect you.
Sakshi, you need to understand. I understand. I cannot see you with anybody else. Channa rehna jeev shab de naal mainu jindagi bitane tere naal ve chann pardesi. I understand, then please understand that I am playing a game with him. एंड अगर हम लाइफ साथ में स्पेंड करना चाहते हैं, मैं उसके बारे में आपसे शो के बाहर बात करना चाहूंगी, बिकॉज मेरे लिए वो डिसीजन इजी नहीं है. आई थिंक तुम बहुत हैवी फील कर रही हो, बिकॉज अभी अभी वो आया है और ये सब भी हो गया, तो तुम्हारे लिए बहुत ऑकवर्ड सिचुएशन हो गई है. यू नो, तुम कोर्ट में नहीं हो कि तुम्हें अभी के अभी गवाही देनी है कि क्या सही है क्या गलत है, चॉइस करनी है. नो, because everybody is coming to me and asking ki kya scene hai tumhara. You know, people want to know. Wo shayad game perspective se soch rahe hai ki agar Justin khali ho jayega to Justin ko yahan pair kar denge. Please give us some time to understand things and figure things out. That's all I want to say.